खबर चित्तौड़गढ़ से। प्रतापनगर निवासी रमेश चंचलानी की कार चोरी के मामले में पुलिस ने आज खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी नरेश टक्कर ने कार चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने कार बरामद कर ली है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में DYSP मनीष शर्मा व सदर थाना अधिकारी दर्शन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले में कार्यवाही के दौरान पत्रकार नरेश टक्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे 30 अगस्त को न्यायालय में पेश कर 6 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। नरेश ठक्कर से पूछताछ करने पर पुलिस को गुमराह करता था, लेकिन कड़ाई से पूछताछ पर उसने ही कार चोरी करना बताया। देवल ने बताया कि आरोपित नरेश ठक्कर ने पूछताछ में बताया कि करीब 2 माह पूर्व वह रमेश चंचलानी से कार मांग कर उदयपुर गया था, जहां रेती स्टैंड उदयपुर पहुंचकर चाबी बनाने वाले को कहा कि मेरे पास कार की एक ही चाबी है, यह कहीं खो जाए तो इमरजेंसी में कार की एक और चाबी चाहिए, और स्वयं को कार का मालिक बताया, जिस पर कार की चाबी लेकर काफी दिनों से उक्त कार चोरी करने की फिराक में था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपित नरेश ने 14 अगस्त को शाम से ही लगातार कार मालिक रमेश चंचलानी की लोकेशन का पता रखा व देर रात्रि को जब कार मालिक कार खड़ी कर सो गया तो बाहर खड़ी कार को अपने पास रखी कार की एक्स्ट्रा चाबी से कार चोरी करके छिपाना बताया। कार के खुद ने ही फ्रंट से साइड का कुछ कलर खराब कर दिया व पुलिस और प्रार्थी को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। 29 अगस्त को प्रातः नरेश ठक्कर कार लेकर चित्तौड़गढ़ से रवाना होकर सिंहपुर कपासन डबोक होता हुआ उदयपुर माछला मगरा में स्थित हाई चॉइस डेकोरेशन गैराज पर गया। रास्ते में कार की नंबर प्लेट खोल दी और गैराज मालिक को कहा कि कार का कलर खराब हो गया है, इसके वापस ब्लू कलर कर देना है और कार के सीट कवर नए लगाने हैं व लेमिनेशन करना है, फिल्में लगा देना, जिसके पीछे आरोपित की मंशा थी कि कार 8 से 10 दिन गैराज पर सुरक्षित रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा एवं कार का कलर बदलने के बाद कोई पहचानेगा भी नहीं। उसके बाद नरेश ठक्कर बस से चित्तौड़ आ गया। 25 अगस्त को वह पुनः हाई चॉइस डेकोरेशन गैराज माछला मागरा पर गया और कार के कलर नहीं होने को लेकर केवल कुछ डेंटिंग हुई थी, जिस पर नरेश ने जहां कलर खराब था वहां पर पहले वाला कलर ही वापस करने की गैरेज वाले को कहा था। अपने साथ दूसरे नंबर की प्लेट RJ09UB3137 लेकर गया, जो कार के लगा दी तथा 1-2 दिन बाद आकर कार ले जाने की बता गैराज वाले को कहकर वापस चित्तौड़गढ़ आ गया एवं बाद में महसाणा गुजरात चला गया। देवल ने बताया कि आरोपी ठक्कर की सूचना पर 31 अगस्त को अनुसंधान अधिकारी भगवान सिंह झाला उपनिरीक्षक थाना सदर ने मेजाबता नरेश ठक्कर के साथ उदयपुर पहुंचकर चाबी बनाने की तस्दीक की और प्रकरण में मशरूका कार बरामद की गई। नरेश ठक्कर से चोरी की वारदात के पीछे क्या उद्देश्य रहा है एवं अन्य कोई साथी वारदात में शरीफ हो तो उसके संबंध में पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है।